गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो आज हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी के बारे में ऑलरेडी हमने ये चैप्टर कंटिन्यू कर लिया है और उसके अंदर हमने मेमोरी के टाइप देखे थे। तो दो टाइप की मेमोरी हमने बताई थी, एक था प्राइमरी मेमोरी और दूसरा था सेकेंडरी मेमोरी। ओके, मेमोरी के अंदर हमने उसको डिफाइन किया था कि प्राइमरी मेमोरी मतलब सीपीयू जो मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी मतलब जहाँ पे सीपीयू जो मेमोरी को इनडायरेक्टली एक्सेस करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो एक रैम ले सकते हैं और एक रोम ले सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड मेमोरी के अंदर हमने हार्ड डिस्क देखा था। ओके, हमने पेन ड्राइव बोला था, हमने फ्लॉपी ड्राइव बोला था, हमने सीडी डीवीडी पेन ड्राइव बोला था, वॉट एवर। तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, तो अभी हम रैम के बारे में बात करते हैं कि रैम जो होता है वो एक प्राइमरी मेमोरी होता है जिसको हम वॉलेंटाइन मेमोरी बोल सकते हैं। वॉलेंटाइन मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जब भी पावर सप्लाई चला जाता है उसमें से डेटा भी इरेज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉलेंटाइन मेमोरी। ओके, तो चलो रैम के बारे में बात करते हैं, टाइप ऑफ रैम। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे सीपीयू डेटा को रैंडमली एक्सेस कर रहा है। तो मान लो कि ये रैम है और ये एक सीपीयू है, तो सीपीयू जो होता है वो ये मेमोरी में से डेटा को रैंडमली एक्सेस कर रहा है। ओके, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ से सीपीयू जब डेटा को रीड एंड राइट करता है तो वो रैंडमली करता है। ओके, जो रैम जो होती है, एस रैम जो होती है। ओके, तो एस रैम और डी रैम, ऐसे दो टाइप के मेमोरी, दो टाइप के रैम को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, डी रैम। ओके, तो एस रैम जो होती है वो 4x6 ट्रांजिस्टर से बनी होती है, इसलिए बहुत ही फास्टर होती है। ओके, ये बहुत ही फास्टर होता है क्योंकि ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर से कैसा इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट है जो करंट की वैल्यू बहुत ही लो आ रही है तो उसको क्या कर देगा, बहुत ही हाई कर लेगा। ओके, मतलब अगर इनपुट बहुत ही लो आ रहा है तो इनपुट सपोज के लो आ रहा है तो उसको हाई कर देगा। इसलिए ये मेमोरी जो होता है, रैम होता है, उसका प्रोसेसिंग बहुत ही फास्टर होता है। इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती नहीं है। जैसे कि हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एस रैम के अंदर रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि वो ट्रांजिस्टर से बना होता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही कॉस्टली होती है। और ये रैम का अगर अगर एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल अगर देखें तो कैश मेमोरी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे टाइप ऑफ रैम जिसमें हमने एस रैम देखा, अब बात करते हैं डी रैम। तो डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, डी रैम जो होता है तो वो डायनेमिकली डेटा को एक्सेस करता है। सीपीयू ये मेमोरी से डेटा को डायनेमिकली एक्सेस करता है, डायनेमिकली डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। ओके, और यहाँ पे जितने भी सेल होते हैं तो सेल जो होते हैं वो पैर के अंदर मतलब 2x6 पैर के अंदर कैपेसिटर्स होते हैं एंड ट्रांजिस्टर होते हैं। मतलब दो पैर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स के होते हैं और 6 पैर जो होती है वो कैपेसिटर के होते हैं, मतलब 2x6 कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स के बने होते हैं ये। ओके, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब भी आप यहाँ पे देख सकते हो तो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर से सपोज के 1 बिट का डेटा अगर सपोज के चले जाते हैं ओके प्रोसेसिंग के लिए, तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज हो जाता है तो वहाँ पे डेटा स्टोर हो सकता नहीं है। तो उसको डेटा को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे उसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने से क्या होता है, वहाँ पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इट मे बी रिक्वायर रिफ्रेशिंग। ये बहुत ही स्लोअर होता है कंपेयर टू एस रैम। एस रैम की तुलना में ये बहुत ही स्लोअर होता है और ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है। मतलब अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव, आप कंपेयर करें एस रैम की तुलना में तो ये थोड़ी सस्ती होती है। ओके, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंट हमने देख लिया, एस रैम और डी रैम के बीच में। अभी हम टाइप ऑफ डी रैम की बात करें तो वैसे तो हम डी रैम की बात करें तो डी रैम के अंदर अलग अलग जैसे कि FPM, EDU, BDO, ओके डी रैम, ऐसे अलग अलग रैम हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं FPM रैम। FPM का मतलब होता है फास्ट पेज मोड। तो ये एक डी रैम का एक टाइप होता है, ये पुराने मदरबोर्ड के अंदर इसको यूज़ किया जाता था। ओके, और यहाँ पे डेटा को रीड राइट करने की जो प्रोसेस थी तो वो सीपीयू यहाँ से डेटा को रीड राइट करता है एक पेज वाइज, इसलिए ये मेमोरी को हम पेज ही मतलब FPM रैम बोलते हैं। ओके, मतलब अगर ये सीपीयू जो है तो ये सीपीयू सपोज के मेमोरी में से जब डेटा को रीड एंड राइट करता है तो वो एक पर्टिकुलर पेज वाइज डेटा को रीड एंड राइट करता है, तो इसलिए ये रैम को हम क्या बोलते हैं, फास्ट पेज मोड। मान लो कि ये FPM रैम है। ओके, तो यहाँ से सीपीयू पेज वाइज डेटा को रीड एंड राइट करता है। ओके, तो ये पुराने मदरबोर्ड के अंदर अवेलेबल थे जिसके अंदर इसके साइज़ की बात करें तो 4 MB की, 16 MB की या 32 MB की ये मेमोरी थी। इसके अंदर 72 पिन इस साइड, मतलब एक साइड पे 72 पिन होती है, तो टोटल 144 पिन की ये मेमोरी थी। ओके,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 डबल 4 पिंस की ये पिन की ये रैम अवेलेबल थी, और आज के ज़माने में ये रैम अवेलेबल नहीं है। ओके, इसके बाद ये मेमोरी को थोड़ा एक्सटेंड किया और उसको नाम दे दिया EDU। तो ये SVM रैम को थोड़ा एक्सटेंड किया और उसको नाम दे दिया EDU। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर भी 72 पिंस अवेलेबल थी एक साइड पे। ओके, और इसके अंदर उसकी कैपेसिटी देखिए तो 16 MB की थी, 32 MB का था, 64 MB का था। ओके, बट SVM को एक्सटेंड किया इसलिए इसको EDU रैम दिया। कई कबार यहाँ पे आप एक CPU देख सकते हो EDU रैम पे, बट कई कबार कई रैम के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा फैच द डेटा फ्रॉम द दिस नेक्स्ट सेल बिफोर द प्रीवियस प्रोसेस कंप्लीटेड। ओके, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये CPU जब ये मेमोरी में से जब डेटा को रीड राइट करता है, तो जो मेमोरी होती है, जो रैम होता है, वो पर्टिकुलर सेल से बना होता है, और सेल के अंदर डेटा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो ये CPU जब ये मेमोरी में से डेटा को जब रीड एंड राइट करता है, तो जो सेल वाइज डेटा को रीड एंड राइट करता है, तो पर्टिकुलर एक सेल के अंदर से वो डेटा को जब रीड एंड राइट करता है, जब तक ये पूरी प्रोसेस नहीं होती तब तक CPU दूसरे सेल में से डेटा को रीड राइट करता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है वो डेटा को रिफ्रेश करता है, डेटा को रिपेयर करता है। तो जब तक एक सेल में से डेटा प्रॉपर रीड एंड राइट नहीं होता है, तब तक वो दूसरे सेल में से डेटा को रीड करता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सिंक्रोनस या डायनेमिक रैम। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये सिंक्रोनस SD रैम है ये। ओके, SD रैम जो है वो सिंक्रोनस रैम थी, मतलब वो टोटली CPU पर डिपेंड थी, CPU की जो क्लॉक स्पीड थी उस पर ये डिपेंडेंट थी। ओके, मतलब खुद की कोई क्लॉक स्पीड नहीं थी, उसको अगर प्रोसेसिंग करना है तो वो CPU के पास से प्रोसेसिंग मतलब क्लॉक रेट जो क्लॉक रेट था वो यूज़ करता था। ओके, और जिसके काम पे वो प्रोसेस करता था। तो मान लेते हैं कि अगर आपका CPU 200 MHz का है, ओके, तो उसमें से 100 MHz का जो स्पीड है वो तो ये मेमोरी यूज करती थी। तो जिसके काम पे ये सिस्टम ये CPU बहुत ही स्लोवर होते थे, बहुत ही हैंगिंग इशू आता था वहाँ पे। ओके, इसको आइडेंटिफाई करना है तो इसके अंदर दो नोच होते थे, आप यहाँ पे देख सकते हो दो नोच है, और ये 256 MB 512 MB के अंदर इसकी कैपेसिटी थी, ये अवेलेबल थे इसके अंदर, एंड उसके अंदर 184 पिंस के अंदर ये अवेलेबल रैम थी। बट अब आज के ज़माने में ये रैम भी आज मार्केट में नहीं है। ओके, इसके बाद बात करते हैं RD रैम। तो RD रैम मतलब रैमबस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये भी 2 KB के 2 KB की एक SRAM उसके अंदर थी। तो उसके अंदर SRAM के अंदर ये RD रैम के अंदर एक कैश अवेलेबल थी 2 KB की, और ये CPU के साथ मतलब मान लेते हैं कि ये CPU है, तो CPU के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए या CPU ये मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक डेडिकेटेड लिंक यूज़ करता था, एक डेडिकेटेड लाइन, एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, एक कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करता था डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए। तो ये भी मेमोरी बहुत पुरानी मेमोरी है। तो यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन क्या था, तो डेटा को रीड राइट करने के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक पाथ, एक स्पेसिफिक चैनल का यूज़ किया जाता था। ओके, 256 बाइट्स के अंदर ये अवेलेबल थी, और उसको इसके अंदर भी 184 पिंस के ये मेमोरी थी, 800 MHz की इसकी स्पीड थी, और 256 या 512 MB की इसकी कैपेसिटी थी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं DDR RAM। तो DDR RAM मतलब डबल डेटा रेट रैम। तो ये डबल डेटा मतलब जगह सपोज के हम बात करें SD RAM, तो SD RAM के अंदर इस तरह से क्लॉक होती है, ये SD RAM। ओके, बट अगर DRAM की बात करें तो एक ही सिंगल क्लॉक के अंदर दो यहाँ पे डबल डेटा रेट, आप यहाँ पे दो क्लॉक देख सकते हैं। तो ये DRAM का DRAM मेमोरी हो गई। ओके, तो यहाँ पे एट द टाइम 1 बिट के डेटा स्टोर होते हैं, यहाँ पे भी 1 बिट के डेटा यहाँ पे एट द टाइम ट्रांसफर होते हैं। तो सिंगल SD RAM के अंदर सिंगल क्लॉक के अंदर 1 बिट के डेटा ट्रांसफर होते थे, बट जब DRAM की बात करें तो DRAM के अंदर एट द टाइम डबल डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होता था ना। ओके, इसलिए इसको डबल डेटा रेट मेमोरी बोलते हैं। तो ये भी एक DRAM का एक टाइप था। ओके, ये मेमोरी जो थी वो बहुत ही लेस पावर कंजर्व करती है, और इसके अंदर एक फीचर डेवलप किया था जिसका नाम था ECC एरर करेक्शन कोड, मतलब ये खुद CPU में से जब डेटा को रिपेयर करना है या फिर कोई डेटा जब मेमोरी के अंदर जब लोड होता है तो वो ECC के द्वारा उसको चेक किया जाता है कि डेटा प्रॉपर है कि नहीं है, पैरिटी नॉन पैरिटी मैच किया जाता है। ओके, ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी के अंदर जैसे कि 266 या 300, 400, 533, 667 फ्रिक्वेंसी के अंदर अवेलेबल थे। तो चलो दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू।